आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील स्थित बाबू शिवपत्तर राय स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ में डॉक्टर अलका राय ने प्राचार्य के पद पर तो वहीं अमित राय ने प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर अलका राय और अमित राय ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया। देखिए, इस विद्यालय की स्थापना ही यह सोचकर हुई थी कि आसपास जितने भी छात्र हैं जिनके पास धन का अभाव है और वो अपना कहीं एडमिशन कराने में या फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो हमारे प्रबंधक ने यह सोचकर इस विद्यालय की स्थापना की थी कि यहाँ पे ऐसे छात्र भी पढ़ सकें जिनके पास धनाभाव है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो फीस है वो अन्य विद्यालयों से काफ़ी कम यहाँ पे रखी गई है, और इसके साथ ही धीरे धीरे विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करता गया। बहुत सारे फैकल्टी यहाँ पे खुल चुकी है, जैसे BSc, BEd, BTC, BCom, MA। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के अलावा हम तकनीकी शिक्षा भी अपने बच्चों को देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी है और बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा खेलकूद का कार्यक्रम भी यहाँ समय समय पर होता रहता है, और हमारे बच्चे यही नहीं, दूसरे विद्यालय में जाकर भी उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की प्रतियोगिताएँ, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, सभी तरह की शिक्षाएँ यहाँ पर दी जाती हैं, सभी कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। और अगर कोई बच्चा एकदम ही फीस नहीं जमा कर सकता है, तभी भी हम कुछ ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, और अध्यापकगण भी, समस्त विद्यालय परिवार उनका पूरा सहयोग करता है, सभी कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं। मेरा नाम अमित राय है, और मैंने अभी जल्दी में ही इस विद्यालय में संचालक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सर, आपने वृक्षारोपण किया जी? आज हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसमें हमारी प्राचार्य मैम श्री अलका राय जी, डॉक्टर अलका राय जी, और मैं, हम दोनों लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विद्यालय, जैसा कि हमारे जो विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री कमलेश राय जी, वो एक समाजसेवी हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये एक लक्ष्य होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, छात्रों को। तो कई गरीब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे विद्यालय की फीस कम से कम रखी जाए, व सुविधाओं को अन्य विद्यालयों के मुकाबले काफ़ी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। हमारे यहाँ पे पर्यटन जैसे कोर्सों की भी व्यवस्था है, जो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी हम बताते हैं। हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है, साथ में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स वगैरह, निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, योग, इन सब में भी हमारे जो छात्र हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें गरीब छात्रों के लिए हम तो सबसे पहले हम बहुत ही ज़्यादा लचीला रुख अपना के चलते हैं। कई बार जैसे उनकी फ़ीस वगैरह है, उसके लिए उन्हें कभी भी फ़ोन नहीं किया जाना कि वो फीस जमा करने के लिए उनको उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता है। और साथ में कोई बहुत अगर अक्षम विद्यार्थी है जो एकदम नहीं जमा कर सकता है, तो हम उसकी फ़ीस भी पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं। धन्यवाद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को, और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।